मणिपुर में एक बार फिर धमाका हुआ है। जी हां, इम्फाल स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के बाहर संदिग्ध आईईडी विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि यह धमाका आज तड़के 3:10 में हुआ, जो स्कूल के गेट के सामने रखा गया था। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे हम एक्सक्लूसिव विजुअल्स धमाके की। उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में स्कूल के सामने आईईडी विस्फोट हुआ है। फिर एक बार मणिपुर में धमाका हुआ है। इम्फाल स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के बाहर संदिग्ध आईईडी विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि यह धमाका आज तड़के 3:10 में हुआ, जो स्कूल के गेट के सामने रखा गया है। हालांकि गनीमत यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स। धमाके के कारण स्कूल का दीवार भी किस तरह क्षतिग्रस्त हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मणिपुर से एक्सक्लूसिव विजुअल्स। आज तड़के 3:10 में हुआ था ये धमाका। घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट की खबर सामने आई है मणिपुर से। यहां आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है कि स्कूल के सामने धमाका हुआ हो। इससे पहले भी स्कूल के पास से आईईडी बरामद के मामले सामने आ चुके हैं। इम्फाल से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इम्फाल में फिर एक बार धमाका हुआ, ये आईईडी विस्फोट की खबर सामने आई है। इम्फाल के लिटिल फ्लावर स्कूल के बाहर संदिग्ध आईईडी विस्फोट हुआ है। ये धमाका आज तड़के 3:10 में हुआ और स्कूल के गेट के सामने देख सकते हैं ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धमाके की। इम्फाल ब्लास्ट जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों के लिए। मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। स्कूल के बाहर आप देख रहे हैं लिटिल फ्लावर स्कूल, इम्फाल स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के बाहर ये आईईडी विस्फोट हुआ है। तो आइए इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं इम्फाल से हमारे संवाददाता शरद चंद्र से। जी शरद, फिर से इम्फाल धमाके में की गूंज वहां पे सुनाई दी, फिर से धमाका हुआ इम्फाल में। क्या कहेंगे आप, क्या ताजा जानकारी है इस खबर पर? अभी ताजा जानकारी यही है कि ये विस्फोट होने के बाद लंबेल पुलिस की एक टीम वहां पर जांच के लिए जुट चुका है और अभी तक उन्हें वहां पर जो ब्लास्ट के कारण जो बिखेरे हुए जो स्प्लिंटर वगैरह वो अपने उसको अपने हाथों अपने कब्जे में ले लिया। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट की ऑफिसियल भी पुलिस की साथ साथ वो भी पहुंचे हुए हैं और वहां की घटना की उनने जायजा ली और साथ साथ जो भी सामग्री मतलब जो ब्लास्ट के कारण वहां पर थे स्प्लिंटर वगैरह वो अपने कब्जे में ले लिया। हमने बात की तो पता चला ये हो सकता है कि आईडी हो, लेकिन ये पूरे जांच खत्म होने के बाद ही ये पता पाएंगे कि हाँ बिल्कुल वो ये सवेरे की ब्लास्ट आईडी है या कोई और अन्य हैंड ग्रेनेड या कोई भी विस्फोटक सामग्री ये हो सकता है। ये जांच खत्म होने के बाद ही पता पाएंगे, लेकिन अब भी पुलिस की तरफ से फोरेंसिक की तरफ से ये आईडी हो सकता है उन्हें ये बताया। और बिल्कुल किस्मत अच्छी थी कि आज संडे है तो संडे साथ साथ सवेरे 3:10 ये टाइम ऐसा सवेरे कि उसमें कोई आने जाने का या कोई सड़क पर जो जाने का उसमें बिल्कुल उसकी चांसेस बहुत कम थे। उसी कारण ये विस्फोट होने से हालांकि स्कूल की एंट्री गेट जो है उसमें थोड़ा सा नुकसान हमें देखने को मिली। रही बात कोई भी हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आया है मानसविता। जी शरद, और हम जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस इस पर छानबीन जो कर रही है, क्या बोला जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, पहले भी आईडी बरामद की गई थी, तो क्या कह रहा है पुलिस का, आखिर क्यों बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, कौन हो सकता है इसके पीछे, क्या जानकारी है? मानस पिता, हालांकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये पहले दफे नहीं कि जो ब्लास्ट हुआ है। अगर इम्फाल और इम्फाल के आसपास की अगर बात करें तो कई ब्लास्ट हो चुके हैं और खाली अगर लिटिल फ्लावर की स्कूल की बात करें, पहले भी लिटिल फ्लावर स्कूल जो है ये उसकी 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 ठीक सामने कैंपस के बाहर ब्लास्ट हुए हैं और उस कारण कई दफे ये लिटिल फ्लावर को ये सिक्योरिटी की निगरानी में भी कई दिनों रखना पड़ा बॉम्ब थ्रेट और विस्फोटक के कारण। जो पुलिस टीम आए थे लंबेल पुलिस की लिटिल फ्लावर स्कूल की
जगह ये लंबेल पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन पे आता है। तुरंत विस्फोट होने के बाद लंबेल पुलिस की एक टीम वहां पर आई थी और उन्हें जांच वगैरह की, लेकिन जो जो सवेरे होने के कारण शायद सवेरे होने के कारण शायद पुलिस के अल्लाह अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन जो भी पुलिस टीम पहुंचे वो मीडिया को कुछ बोलने से या कोई भी कमेंट देने से उन्हें इनकार किया। हो सकता है कि पुलिस की तरफ से अगर कोई भी अगर जो जिस घटना को अंजाम देने में जो भी चीज मिलिटन ऑफिस ने दिया है अगर उनको पुलिस की गिरफ्त में आता है तो हो सकता है कि आने वाला समय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके बता पाएंगे। लेकिन अभी तक किस कौन सा मिलिटेंट आउटफिट ने, कौन सा उग्रवादी संगठन ने इस कारण ये विस्फोट तक किया गया है ये जानना ये 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 समय पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं है। मनोज पिता जी, शरद, आखिर क्यों हो रहे बार बार ऐसे धमाके, कौन है इसके पीछे? इस मामले की तह तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है इस वक्त। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।